आज है डे 6 हमारे क्वारंटीन का। अब ऐसे में ना कहीं ज़्यादा दूर जा सकता हूँ, ना कहीं जाके ब्लॉग कर सकता हूँ। काफ़ी मुश्किल भरा समय है हमारे लिए। और अगर ऐसे में हम कभी कहें कि यार सर दर्द हो रहा है, तो घर वाले कहते हैं और लग फ़ोन पे। अब अगर हम कहें कि यार कमर दर्द हो रहा है और लेटे लेटे फ़ोन चला, यहाँ तक कि अब मेरे बाल बढ़ चुके हैं उस पर भी फ़ोन है, टीवी पे देख रहा है, फ़ोन पे देख रहा है, भैया लोगों ने ऐसा कर रखा है तू भी ऐसी कर रहा है। दोस्तों सारी बीमारी की जड़ ये फ़ोन है। तो ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये मेरा सेकेंडरी है तो मैंने अपनी सिम वगैरह सब इसमें डाल दिए। तो आज के दिन में हम फ़ोन नहीं चलाएंगे, बहुत सारे मैसेज आएंगे, कॉल्स आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर कोई लड़की हमसे इसके लड़ाना चाहे तो उससे बात नहीं कर सकते, चांसेस कम है इसके मैसेज आते नहीं, बट होप कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हम टक सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के दिन में हम इस फोन के बिना कैसे रह पाते हैं। तो अभी लगभग मुझे आधा घंटा हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा ना ऐसे हाथों में खुजली सी लग रही, मतलब कुछ तो मिस है। मतलब फ़ोन हमारे पास रहता था ना, जेब में रहे चाहे बेड पर रहे, एक अलग से एहसास देता है कि यार हाँ कुछ है यार, चलो मतलब कुछ नहीं होगा तो हाथ लगा लेंगे। और उसे देखते देखते सब एक घंटा निकल जाए, दो घंटा निकल जाए, पता भी नहीं चलता। लेकिन अब थोड़ा होना सी आई डी में होता ना ऐसे ACP, कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। क्या गड़बड़ चल रही भैया, ये मिलता हूँ थोड़ी देर में। A few moments later, अभी मेरे को सॉलिड टाइम पास का आइडिया आ रखा है। अभी हमें उत्तराखंड में प्रकृति की गोद में, और यहाँ पे सामने पहाड़, स्वच्छ हवा, तो क्यों ना थोड़ा सा योगा कराया जाए, और अपने अंदर की जो दिल्ली की जो गंदी हवा है उसको बाहर फेंक के पहाड़ की शुद्ध हवा अपने अंदर ले ली जाए। चलो दोस्तों, वैसे योगा करने का समय तो सुबह और शाम का होता है, लेकिन हमें तो समय काटना है, तो हम अभी शुरू हो जाते हैं। चलिए योगा करने के चक्कर में जो जोश में कदम सबसे भी लगा लिए, और कल सुबह तक का डोले तगड़े बन जाएंगे, हालत खराब होगी। मिलता हूँ एक और ब्रेक के बाद। 2 hours later, अभी लगभग 1:30 बज रहा है, और दबा के 5 मिनट खाना ठूसा, और अब संगीत का समय है दोस्तों। इसको कहाँ डालूँ दोस्तों, मैं फोन तो हमारे पास है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारी। कोई बात नहीं दोस्तों, हम जाएंगे प्रकृति के पास, और वहाँ से प्राकृतिक वाद्य यंत्र लेके आएंगे, और खुद गाना बजाएंगे, और खुद पे नाचेंगे भी। तो अभी हम जा रहे हैं अपने प्राकृतिक वाद्य यंत्र बजाने। हमें 2 लकड़ियों की आवश्यकता है, जिसको हम ड्रम की तरह इस्तेमाल करेंगे। आइए, एक लकड़ी हमें मिल चुकी है यहाँ पर, एक लकड़ी हमें और चाहिए। तो दोस्तों हमें दोनों लकड़ियाँ मिल चुकी हैं, आइए अब इसे हम ड्रम की तरह इस्तेमाल करेंगे, और खुद गाना बजाएंगे, और खुद उस गाने पर नाचेंगे। चलो तो दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद हम ये 2 स्टिक लेके आ चुके हैं। अभी हम स्टिक को बजाएंगे, खुद का संगीत तैयार करेंगे, और अपना टाइम पास करेंगे। तो आज है 5 अगस्त, और 5 अगस्त को क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत। तो संगीत शुरू करा जाए। श्री राम डीजे 9334 1 2 सारी बुकिंग के लिए संपर्क। अक्सर क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, ये मेरे सारे बाल ऐसे रहते हैं, कभी ऐसे रहते हैं, तो मुझे इनको ऐसे हटाना पड़ता है। हाँ अच्छा, इधर से उजाला है, चलो इधर से बैठ से उतरो, इस टाइम वाला मेरे साथ हो रहा है। इतने बढ़ चुके हैं, आप देख ही रहो कि भाई बुरा हाल। अब क्या किया जाए दोस्तों, शाम के करीब 4 बज चुके, और लगभग हमने आधा दिन बिना फ़ोन के काट लिया है। यस, फिलहाल तो मेरे पास एक टिप्स है। पहाड़ की आपने एक बात नोटिस करी होगी, जो हम पहाड़ में सामान लेने जाते हैं, जैसे हमने डेरी मिल्क ली, तो हमें डेरी मिल्क कम मिलेगी, उसके कुछ डुप्लीकेट रिच मिल्क, ये मिल्क वो मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, कुरकुरे की जगह पर हमें गोपाली गोपुली कुछ मिल रखा है यहाँ पर खाने के लिए, टेस्ट बिल्कुल बेकार है। मैं आपको रैपर नहीं दिखा रहा हूँ अभी, कहोगे भैया ब्रांड ख़राब हो रहा। शाम होने वाली है लगभग, और अभी क्या हुआ, मेरे पास एक चीटी आई, मैंने उससे कहा थोड़ा मुझसे दूरी बना ले 2 गज की, क्योंकि मैं क्वारंटीन हूँ अभी, हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँ, तुझे भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन नहीं बॉस, वो घुसे जाए। मैंने उसे वापस भी किया, लेकिन फिर घुसे जाए। अब वो मेरे पैर में घुस गई। अब अगर मैं कोरोना पॉजिटिव होता हूँ, तो मेरे जैसे चींटी को भी कोरोना हो जाएगा दोस्तों, बहुत बुरी खबर है।
मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को भी कोरोना हो या उसे मेरी तरह क्वारंटीन रहना पड़े, बट तो यही वो चींटी है जो अभी मेरे पैर में घुसी थी और अब इसे भी कोरोना हो जाएगा। वैसे काफ़ी बुरा हुआ मेरे लिए, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा, बट अभी मेरे पास आपके लिए एक और चीज़ है। अभी जब मैं बाहर को आ रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा कि अपनी जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका की यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है और इस नंबर को मैं आपको आधा ही दिखाऊंगा, क्योंकि आधा नंबर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ऐसी जगहों में लड़के नंबर लिख जाते हैं, लड़कियों का भाई मेरे से बात नहीं कर रही है, रुख इसका नंबर यहाँ लिख देता हूँ, पब्लिक प्लेस में नंबर लिख देता हूँ, सुलभ शौचालय में नंबर लिख देता हूँ, तो भाई अगर लड़की का नंबर निकला तो पुलकित भाई तो डेली व्लॉग करते रहेंगे और आप लोग जस्ट जोकिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं, वो किसी का ऐसे नंबर होगा बट अक्सर ऐसा होता है सच में कि भाई लड़के नंबर लिख जाते हैं यहाँ, वो तो काफ़ी गलत चीज़ है, तो ऐसा नहीं करना है। तो फिलहाल बोरियत काफ़ी हो चुकी है बिना फ़ोन के दोस्तों, आप भी कह रहे होंगे पुलकित भाई आज क्या कर रहा है, लेकिन दोस्तों बिना फ़ोन की ज़िंदगी ऐसी अधूरी सिमट सी गई है, सामने मेरे फ़ोन है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ। तो लगभग मैंने 10 घंटे बिना फ़ोन के गुजारे आज और मैं काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन जो हाथों की खुजली थी वो बहुत बार लग रही थी। अक्सर होता क्या कि जो फ़ोन है वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है ना, इसके बिना मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकता, मैं तो नहीं रह सकता, बस जैसे मैंने आज काटा मैं ही जानता हूँ। और मतलब वैसे दिल में पत्थर रख के ना भाई साहब, कितने बार फ़ोन फ़ोन ऐसा हो रहा था, तो हम रह नहीं सके, क्योंकि भैया देखो हमें फ़ोन करना है, किसी को मैसेज भेजना है, टेम्परेचर चेक करना है, गूगल मैप, अगर मुझे, मैं भी दिल्ली में होता, मुझे कुछ खाने को मंगाना होता है, कहीं जाना होता, कैब वगैरह करनी होती, तो भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो ये चीज़ें सब चीज़ फ़ोन में समा चुका है और भाई अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मैं 24 घंटे में से 18-20 घंटे तो मैं ही चलाता हूँ, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन फ्यूचर ऐसा एक्सपीरियंस हम और लेंगे, आज में क्वारंटीन था तो इतना सही तरीके से व्लॉग बन नहीं पाया, बेसिकली व्लॉग नहीं है बस एक नॉर्मल, मैंने अपना एक दिन का एक शेड्यूल दिखाया आपको कि कुछ करते हैं चलो, लेकिन हाँ ठीक नॉर्मल सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, किस मुंह से बोलूँ मैं आपको ऐसे व्लॉग दे रहा हूँ, बट यार दोस्तों अभी आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा बिकॉज क्वारंटीन है, घर पे हूँ तो ऐसा ज़्यादा नहीं हो सकता, बट कुछ दिनों बाद ओके ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।